सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेम्स कैमरॉन की मोस्ट अवेटेड मूवी, जो कि फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 16th of December यानी कि पिछले शुक्रवार को अवतार द वे ऑफ वाटर सिनेमा घर के अंदर रिलीज कर दी गई थी। बात करेंगे इसी मूवीज के टोटल 3 डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, साथ में मेरा सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसी के साथ बात करें तो अवतार द वे ऑफ वाटर बॉक्स ऑफिस पे काफी ताबड़तोड़ काफी अच्छे ढंग से अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ ये बहुत सारे रिकॉर्ड कलेक्शन के मायने में अपने नाम करने वाली है। बात करें तो ये एक अलग टाइप की अलग नई रिकॉर्ड बना रही है। ये 13 साल के बाद फाइनली 2009 में आई हुई अवतार मूवी फाइनली 2022 में फैंस की मोस्ट अवेटेड मूवी रिलीज कर दी गई। बात करेंगे इस मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, जो कि रिपोर्ट 41 करोड़ का निकल के आया था। इसी के साथ बात करें अगर इस मूवी के सेकेंड डे कलेक्शन के बारे में, 46 का कलेक्शन रिपोर्ट निकल के आया। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करें अवतार द वे ऑफ वाटर मूवीज के थर्ड डे कलेक्शन के बारे में, जो कि इस मूवी का फर्स्ट संडे था, तो इस मूवी का अनुमान कुछ 50 करोड़ के आसपास का था, लेकिन ये मूवी अपना 47 करोड़ ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाई थर्ड डे यानी कि संडे के दिन। इसी के साथ बात करें इस मूवी के टोटल 3 डेज कलेक्शन के बारे में, तो 133 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 133 करोड़ का लगभग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टोटल 3 डेज में देखने मिला, जो कि ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे रफ्तार से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों, अगर अवतार मूवी आपको भी पसंद है, आप भी उसके दीवाने हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और ऐसे ही मूवीज वीडियो और बॉक्स ऑफिस से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।